वाचालं पन्नं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुम्यन्ति दिव्यैस्तवीर वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थितदद्गतिर्मनसा पश्यन्ति यं योगिनोम् यस्यां तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय श्रीनंदनंदनाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सांख्य योग 16वां श्लोक। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्ट्वन्तः स्तन्मयोस्तत्त्वदर्शिभिः। आत्मा और अनात्मा की प्रतीति जब समान है तो फिर आत्मा के समान अनात्मा सत्य क्यों नहीं है, अथवा अनात्मा के समान आत्मा मिथ्या क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का योग क्षेम तो समान ही है। ऐसी अर्जुन की ओर से आशंका करके भगवान दोनों के विशेष भेद को कहते हैं। असत वस्तु की कभी सत्ता नहीं होती और सत का कभी अभाव नहीं होता। तत्व ज्ञानियों द्वारा इन दोनों की ऐसी ही नित्य रूपता निश्चित की गई है जो काल देश अथवा वस्तु से परिच्छिन्न होता है वो असत कहलाता है। जैसे घटादि जन्म और विनाशशील पदार्थ पूर्व काल और पर काल से परिचिन्न है क्योंकि वे ध्वंसाभाव और प्राग भाव के प्रतियोगी हैं। जो किसी समय विशेष में होते हैं वे काल परिचिन्न कहे जाते हैं। इसी प्रकार मूर्त रूप होने से समस्त देश में न रह सकने के कारण अर्थात किसी देश विशेष में ही रह सकने के कारण वे ही देश परिच्छिन्न भी कहलाते हैं। यद्यपि यह नियम है कि जो काल परिच्छिन्न होता है वह देश परिच्छिन्न भी होता है, तथापि नैयायिकों ने परमाणु आदि की देश परिच्छिन्नता स्वीकार करने पर भी काल परिच्छिन्नता स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए देश परिच्छेद का पृथक निर्देश किया है। इसी प्रकार सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, यह तीन प्रकार के भेद वस्तु परिच्छेद हैं। जैसे वृक्ष का वृक्षांतर से, शिलादि से और अपने पत्र पुष्पादि से भेद होता है, अथवा जीव से ईश्वर का भेद, जीव से जगत का भेद, जीवों का परस्पर भेद, ईश्वर से जगत का भेद तथा जगत का परस्पर भेद, यह पांच प्रकार का भेद ही वस्तु परिच्छेद है। ऐसी असत शीतोष्णादि समस्त प्रपंच का भाव परम पारमार्थिता अर्थात स्वान्यून सत्ताक अपने से अन्यून सत्ताक परिच्छेद शून्यता नहीं होती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि घटत्व और अघटत्व के समान परिच्छिन्नत्व और अपरिच्छिन्नत्व का एक वस्तु में होना परस्पर विरोध है। कोई भी दृश्य ऐसा नहीं है जिसका किसी भी काल देश अथवा वस्तु में निषेध न होता हो, क्योंकि
वह सर्वदेश कालवर्ती नहीं होता, किंतु सत वस्तु का किसी भी काल देश अथवा वस्तु में निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वत्र अनुगत होती है। अतः भाव यह है कि सर्वत्रानुगत सद वस्तु में अनुगत व्यभिचारी वस्तु कल्पित होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि रज्जु खंड में अनुगत व्यभिचारी सर्प धारा आदि कल्पित होती है। यदि व्यभिचारी होने से ही वस्तु कल्पित होती है तो सत वस्तु भी कल्पित होगी, क्योंकि वो भी तुच्छ व्यावृत अर्थात असत व्यावृत होने से व्यभिचारी है। ऐसी आशंका करके भगवान कहते हैं नाभावो विद्यते सतः, अर्थात सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सत जिसका अधिकरण है उस भेद का प्रतियोगी होना ही वस्तु परिच्छेद है। तुच्छ से व्यावृत होने के कारण कोई वस्तु असत नहीं होती, क्योंकि तुच्छ शशविषाण आदि में सत्ता नहीं होती, और नियम है कि सत और असत से अभाव का निरूपण होता है। एक ही स्वप्रकाश नित्य विभु सत सर्वानुस्यूत अर्थात सर्वत्रानुगत सर्वव्याप्त, इसीलिए सत और व्यक्ति का भेद नहीं माना जाता, क्योंकि घट सन इत्यादि प्रतीति सर्वलोकानुभव सिद्ध है। अतः घटादि में रहने वाले भेद की प्रतियोगिता सत में नहीं रख सकती। इसलिए भाव यह है कि सत और सर्वानुसूत सत मात्र का अभाव अर्थात देश काल अथवा वस्तु से परिच्छेद नहीं होता, क्योंकि पूर्ववत यहाँ भी विरोध आता है। सत नामक कोई वस्तु है ही नहीं जिसके देश काल और वस्तु से परिच्छेद का प्रतिषेध किया जाए, तो क्या है? सत्ता नाम तो पर सामान्य का ही है, जिसके आश्रय से द्रव्य गुण और कर्म में सत व्यवहार होता है। सामानाधिकरण्य संबंध से सामान्य विशेष और समवाय में सद व्यवहार होता है। इसी प्रकार असत प्राग भाव के प्रतियोगी घटादि के कारण व्यापार से सत्ता होती है, और कारण के नाश से उस सत का भी अभाव होता ही है। फिर यह कैसे कहा कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात असत वस्तु की कभी सत्ता नहीं होती और सत का कभी अभाव नहीं होता? ऐसी आशंका होने पर भगवान उभयोरपि इत्यादि आधे श्लोक से इसका परिहार करते हैं। उभय अर्थात सत और असत का, सत का और असत का अंत अर्थात मर्यादा नियत रूपता, जो सत है वह सती है और जो असत है वो असती है। श्रुति स्मृति और युक्तियों से विचार पूर्वक देखी गई है कि निश्चित यही की गई है। किनके द्वारा? ये निश्चित तत्वदर्शियों के द्वारा। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने वाले ब्रह्मविद्ताओं के द्वारा, न कि उतार्किकों के द्वारा। अतः उतार्किकों का विपर्यय अनुपपन्न नहीं है। यहाँ तू शब्द यह निश्चय करने के लिए कि एकांत रूप नियम ही देखा गया, न कि अनेकांत रूप अथवा तत्वदर्शियों के द्वारा ही देखा गया, न कि अतत्वदर्शियों के द्वारा। इसीलिए श्रुति भी कहते हैं सौम्य आरंभ में एक अद्वितीय सत ही था। यहाँ से प्रारंभ करके यह सब
इस सत्य से अभिन्न नहीं है, वह सत्य है और वही आत्मा है। ये श्वेत केतु इस प्रकार उपसंहार करती हुई यही दिखलाती है कि सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक सत्य ही सत्य है। विकार वाणी का आरंभण और नाम मात्र है, मृतिका ही सत्य है इत्यादि श्रुति तो व्यभिचारी विकार मात्र को वाचारंभण रूप से मिथ्या ही कहते हैं। ये छांदोग्य का वाक्य है। हे सौम्य अन्न रूप शुंग अंकुर कार्य से उनके मूल कारण जल की शोध कर, हे सौम्य जल रूप अंकुर से उसके मूल तेज की शोध कर, और हे सौम्य तेज रूप अंकुर से उसके मूल सत की शोध कर। सौम्य इस सारी प्रजा का मूल सत्य है, सत ही उसका आयतन है, सत ही उसकी प्रतिष्ठा अर्थात आधार है। यह बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। यह श्रुति समस्त विकारों का सत में कल्पित होना ही प्रदर्शित करती है। सत्ता नाम सामान्य का नहीं है, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। पदार्थ मात्र में साधारण भाव से रहने वाली सत सत ऐसी प्रतीति से द्रव्य गुण और कर्म मात्र में ही रहने वाली सत्ता सामान्य नहीं स्वीकार की जा सकती, क्योंकि उसके द्वारा सत की सिद्धि नहीं हो सकती। इसके विपरीत पदार्थ मात्र में अनुस्यूत अर्थात व्याप्त सत ही सामान्य है, यह सरलता से कहा जा सकता है। इस प्रकार जैसे किसी भी देश में या काल में जो घट नहीं है अर्थात घटभिन्न पटादि है, उन पटादि में किसी दूसरे देश में या काल में घटत्व नहीं हो सकता, वैसे ही किसी भी देश में या काल में जो घट है उसका अन्यत्र अघटत्व संपादन करना इंद्र के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि पदार्थ के स्वभाव का भंग होना असंभव है। इसी प्रकार समान युक्ति होने के कारण किसी भी देश में या काल में जो असत है उसका किसी दूसरे देश में या काल में सत्व संपादन करना संभव नहीं है, और किसी भी देश में या काल में जो सत है उसका अन्यत्र असत्व संपादन करना संभव नहीं है। अतः सत और असत दोनों की नियत रूपता ही देखनी चाहिए। अतः माया कल्पित असत की निवृत्ति हो जाने से सद वस्तु ही अमृतत्व अर्थात मोक्ष प्राप्ति के योग्य होती है, और सत मात्र पर ही दृष्टि रहने से तितिक्षा होना ही संभव है। कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु।